नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हालांकि सरकार वो है जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखा गया कि हर साल सवाल उठते जा रहे हैं इन दोनों नारों पे। क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है, जनता जो है क्यों प्रदर्शन कर रही है? और जिस तरह से दिल्ली में 9 साल के बेटे के साथ जो घटना हुई, उससे पहले हाथरस में हुई, ऐसे तमाम घटनाएँ जो अक्सर देखने को मिलती है, तो तमाम जो है इन बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ महिला ही मौजूद है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशी घोष है और मैं प्रेसिडेंट हूँ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का। कैसे देखती हैं सरकार वो है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देखती हैं? आप भी एक बेटी हैं, आपके ऊपर भी कई बार हमला हो चुके हैं इस सरकार में, तो कैसे देखती हैं सरकार को? देखिए, नारा जिस तरीके से लेके कैंपेन किया गया था 2014 में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड में अगर हम लोग स्थिति देखें तो बहुत ही बदतर से बदतर हालत है। साल भर में हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ते जा रहा है। कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट शायद रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड जो सेक्सुअल वायलेंस है वो भी बढ़ते जा रहा है। जो जाति के आधार पे शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के ऊपर, तो वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे इसी बात से हुए कि दोषियों को सजा देने की ज़रूरत तो है, लेकिन समाज में एक सोच का बदलाव होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ दोषियों को सज़ा देने से ऐसा नहीं है कि समाज की जो बदलाव है महिलाओं के प्रति या उनका अंडरस्टैंडिंग है ये बदल जाएगा। अगर वो बदलना है तो गवर्नमेंट को, जो सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, सबको उतर के ग्राउंड में लोगों को समझाना पड़ेगा कि महिलाओं को इस पावर स्ट्रक्चर से देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों महिलाएँ का रेस्पेक्ट करने ज़रूरत है, जैसे महिलाओं को एकदम घर में रखने की एक बात बार बार किया जाता है, बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जब सरकार की बात करते हैं, क्या लगता है इस सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है बेटियां हैं इस सरकार में, तो है कि नहीं? एकदम नहीं है। हम लोग हर दिन देख पा रहे हैं कि उत्पीड़न और शोषण किस तरीके से महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है। और ये जो लोग शोषण कर रहे हैं उनको ये आइडिया जो दिमाग में है कि हम लोग किसी भी बेटी के साथ कुछ भी करेंगे और महिलाओं के साथ शोषण करेंगे और हम लोग बच जाएंगे, ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो बहुत बार हुआ है बहुत सारे केसेस में, सरकार ने खुली तौर में या सरकार के साथ जुड़े हुए जो ग्रुप्स रहे हैं उन्होंने खुली तौर में रेपिस्टों का एकदम खुले तौर में सपोर्ट किया है, तिरंगा लहरा के उनके सपोर्ट में मार्च निकाला है। इससे एक डर भी पैदा होता है समाज के अंदर कि कल अगर हम लोग शोषित होते हैं महिलाएं, अगर हम अपना बात रखते हैं या खुले तौर में बात रखते हैं, क्या हमें सपोर्ट वो तरीके से मिल पाएगा समाज के अंदर से? और दूसरी बात है जो मैं बता भी रही थी अपने बात रख रही थी कि गोवा की जो मुख्यमंत्री है वो ओपनली बोलते हैं कि ये सर्वाइवर्स विक्टिम्स की गलती है कि वो लोग निकले थे शाम रात को। बार बार कुछ ना कुछ महिलाओं के कोई एक्शन पे क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि जो लोग दोष कर रहे हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, वो लोग क्यों इस तरीके से मनभाव के साथ कर रहे हैं? क्या उनका इस तरीके से उत्पीड़न करना महिलाओं का सही समाज में सही जाता है? एक महिला का निकलना और नहीं निकलना कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक पुरुष का या कोई भी जो शोषण कर रहा है उसका सड़क पे उतरते सड़क के बाद निकल के एक महिला को शोषण करना, क्या ये सही चीज़ है? क्या इस तरह आइडिया को इनकरेज किया जा सकता है? तो हमें लगता है कि जो विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग है ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और इसको बंद होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ और नहीं देखते, जिस तरीके से अत्याचार जो होती है बेटियों पर, इसमें भी जातिवाद में बांट दिया जाता है। हालांकि सरकार और समाज कहता है कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अगर कोई दलित बेटी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाया, चाहे कोई मतलब लड़कियों को अत्याचार को भी जातिवाद में क्यों बांट दिया गया है? लड़कियों का जो अत्याचार है वो हो रहा है जाति के हिसाब से। अगर कोई जनरल है तो उसके लिए अलग आवाज़ उठाएंगे, पंडित हैं तो अलग है, मुस्लिम है उसके नहीं। उस सेंस में हमें लगता है कि जो हमारा स्टैंड है कि जो जाति के आधार पर शोषण बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, सारे महिलाएं शोषित हो रहे हैं, लेकिन उस खास करके उसमें जो दलित महिलाएं हैं, जो बहुजन तबके के महिलाएं हैं, उनके ऊपर शोषण सबसे उनसे ज़्यादा हो रहा है। अगर देखा जाए तो उनका कास्ट बेस्ड एंगल पे भी शोषण हो रहा है एक तरीके से। तो इसको भी खुले तौर में हमें रखने की ज़रूरत है, इस बात को हमें रखने की ज़रूरत है कि अगर एक दलित महिला होती है, एक बहुजन समाज से महिला एक समाज के अंदर होती है, उनके लिए बात रखना सामने में आके बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हमें इस रियलिटी को फेस करके और आने वाले समय में आंदोलन बनाने की पुरजोर ज़रूरत है। हमारा स्टैंड यही है कि एक तो दोषियों को सज़ा दी जाए, और हर दिन इस देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है कड़ी सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन वहां तक हमारा आंदोलन नहीं थम सकता है। हमारा आंदोलन आने वाले समय में समाज के हर एक कोने में पहुंच के लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने की भी होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जो है जैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देती हैं किसी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि यहाँ पे हर चीज़ एक राजनीति का ऑब्वियसली पार्ट होता है, लेकिन इस समय पे हम चाहते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं उनके फैमिली है
वो बच्ची को तो जला दिया है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो मम्मी पापा है, उनके साथ खड़ा रहा जाए, जितने से जितना जस्टिस हो पाए, जितना हो पाएगा, क्योंकि अगर उनके बेटी को तो हम लोग आंदोलन करके वापस कर नहीं सकते, लेकिन जितना जस्टिस हो पाए उस जस्टिस को हम लोग इंश्योर करने के लिए सारा सामाजिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोग हम लोग एक साथ आके जस्टिस को इंश्योर करें और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करें। ऐसा नहीं कि इतना लेट हो जाए कि कोई जस्टिस मिल ही नहीं पाए उसे उसके घर वाले को, तो ये बात हो, और साथ साथ समाज बदलने के लिए भी हमें उतरना की ज़रूरत। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में जो पुलिस है वो अमित शाह गृह मंत्री का अधीन में आती है, कार जो हिंदू रक्षक सरकार जो है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, ये हर वक्त महिलाओं का शोषण उत्पीड़न चाहते हैं, ये चाहते ही है कि महिलाओं को इस तरीके से दबा के रखना चाहिए समाज के अंदर। हम मानते हैं कि नहीं, महिलाओं को इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, और महिलाएं जिस तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, आने वाले समय में हमें और ज़्यादा महिलाओं का जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, बढ़ाना चाहिए समाज के अंदर में, और उसके लिए ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है समाज के अंदर जहाँ में महिलाएं खुल के बाहर निकल सके और उनको इस तरीके से शोषण ना सहना पड़े। तो हमारा यही मानना है कि हमारा आंदोलन को पुरजोर करने की ज़रूरत है, शक्तिशाली करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग लोगों की मानसिकता को बदल सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, साफ तौर पे जो है देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है लोग सड़कों पर उतर रहे हैं महिलाओं की शक्ति के लिए। जिस तरीके से महिला जो बालिक 3-9 साल के बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी आवाज़ उठानी पड़ रही है। ऐसा बात की हमने महिला शक्ति, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए बात, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो है आंदोलन और तेज़ करना पड़ेगा, और सिर्फ एक जगह नहीं, शायद दिल्ली हो, कहीं नहीं, पूरे शहर में जा जाके पूरे देश में जो है महिला के ऊपर जो महिलाओं को लेकर जो सोच है लोगों में, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है।